हे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द डे दैवन ऑफ स्टेशनरी वीक पावर्ड बाय स्कूबू तो आप सभी को पता है लास्ट सात दिन से हम स्टेशनरी वीक बना रहे थे हमने आपके लिए काफी सारे वीडियोस बनाए ऑन पेन्स स्टिकी नोट्स पेंसिल्स एंड व्हाट नॉट तो गाइस आप इस पूरी सीरीज को चेक कर सकते हैं इसको मैं आई बटन पर भी डाल दूंगा एंड आज की वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं अबाउट डेस्क ऑर्गेनाइजर्स तो हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिटी डेस्क ऑर्गेनाइजर्स है ये आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत ही क्लासिक एंड यूनिक डिजाइन के साथ देन हमारे पास है काफी सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स कैलकुलेटर्स एंड सेवरल डेस्क एक्सेस

सकते ये रूम मैक्स बुक रैक फ्रॉम लाइट आप यहाँ देख सकते हैं इसमें गाइस चार कंपार्टमेंट आपको मिलते हैं साइड में दो हैंडल्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको येलो शेड मिलता है और काफी कलर्स में आपको मिल जाएगा बीच में आप यहाँ पे काफी सारी नोटबुक स्टोर कर सकते हैं एंड ओवरऑल गाइज जो ये लगता है ना रूम में बहुत ही एक क्लासिक लुक देता है अगला वाला जो हमारा ऑर्गेनाइजर का वो डेफिनेटली आपने काफी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा तो ये है हमारे पास लाइटम की तरफ से आने वाला अप सिस्टम मल्टी बॉक्स केस तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको नाइन कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे एंड ये आपको ट्वेल्व सिक्सटीन एंड ड्रॉ के कॉम्बिनेशन में भी मिल जाता है तो बेसिकली यहाँ पे अभी आपके पास नाइन स्लॉट्स अवेलेबल है जो कि मेरे हिसाब से नॉर्मल कलेक्शन स्टोर करने के लिए है बट आप बड़े या वाले के साथ भी जा सकते हैं अगर आपके पास पेंस का कलेक्शन ज्यादा है तो उसको आप यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट कलर पेंस को स्टोर करने के लिए यहाँ पे आपको काफी हाई क्वालिटी कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं एंड यहां फ्रंट में जगह दी हुई है तो आप ब्रश पेन रख लेते रहे तो ब्रश पेन लिख सकते हैं या फिर जो भी पेन है वहां पे मार्किंग कर सकते हैं इसको आप पुल कर सकते हैं तो यहाँ पे एक लॉक है तो ये अटक जाता है इसको निकालने के लिए बस हल्का सा ट्विस्ट करके आप इसको ऐसे रिमूव

पड़ों को पकड़ते ही आपको क्वालिटी का एहसास होता है बहुत ही रिच मटेरियल्स यूज़ हुए हैं मैट फिनिश में सारे मटेरियल्स यूज़ हुए हैं जो कि मुझे देखने में काफ़ी क्लासिक लग रहे हैं तो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बुक होल्डर भी मिल जाता है एंड साथ में रैक्स भी मिल जाते हैं तो बेसिकली एक छोटा सा ये आपको एक डेस्क वगैरह मिलता है तो आपकी काफ़ी अच्छे से यहाँ बुक्स भी आ जाएंगी एंड को देख सकते हैं आप इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ एक टेप है इसको मैं रिमूव करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पे ये आपका ड्रॉर है ये निकल के आ गया देन इसको आप वापस रख सकते हैं दे नीचे एक ड्रॉर है एंड नीचे सबसे नीचे थर्ड वाला एक ड्रॉर आपको दिया गया है तो बेसिकली ऐसे तीन ड्रॉर्स आपको दिए गए जिनको आप काफी ईजिली बन चालू कर सकते हैं एंड गाइज यहाँ पे टॉप पे ना आपको एक पेन होल्डर भी दिया गया है जो है रोटेट होता है तो उसको भी आप आई गेस निकाल सकते हैं तो इस डिविजन को भी निकाल के आप अपनी चीजें यहाँ स्टोर कर पाएंगे गाइस तो काफी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड छोटी डेस्क के लिए बहुत अच्छा है एंड अगर आपको इसी का एक बड़ा वर्जन चाहिए ना तो आप ले सकते हैं ये ओलियो रैक गाइज ये भी काफी अच्छा वर्जन देख सकते हैं इसमें भी आपको बुक रैक मिल जाता है एंड आपको कंपार्टमेंट मिलते हैं इसको हम ओपन कर लेते हैं गाइस तो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्गेनाइजर निकल के आ गया है एंड ऊपर आपको काफी अच्छे से बुक रैक दिख रहे होंगे यहाँ पे आप अपनी नोट बुक स्टोर कर सकते हैं एंड ना तो आप नीचे भी आपको जिनमें आप स्टोर कर सकते हैं अपने पेंस, स्टेशनरी। तो काफी बड़े तो बाहर निकल के नहीं आते स्टक रहते हैं तो अच्छी बात है आपकी स्टेशनरी फैलेगी नहीं काफी अच्छे से आप अपना काफी सारा सामान इसके अंदर स्टोर कर पाएंगे तो अगेन अगर आपकी मीडियम डेस्क के बुक ज्यादा है तो आप इस वाले जा सकते हैं तो अब डेस्क ऑर्गनाइजर हुआ खत्म अब मेरे पास गए काफी कूल से पेंसिल केसेस तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आखन

पहने अपने अब खुलता भी नहीं है तो काफी हाई क्वालिटी एंड मिले केस है इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ गया है एक और केस होगा तो इसको हम ओपन कर लेते हैं ओके okay. तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का केस है यहाँ पे डेल्टे डे की तरफ से ये आता है गाइस इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक हार्ड कवर मिलता है इसको आप ओपन करके ऐसे प्लेस कर सकते हैं एंड अब आप सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या है तो गाइस देखिए इसको आपने यहाँ पे प्लेस किया तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छे से आपका जो भी मोबाइल फ़ोन है उसको आप इजिली यहाँ पर ऐसे स्टैंड कर पाएंगे देखिए ये काफ़ी अच्छे से खड़ा हो जाता है एंड यहाँ पर इसके रबर फीट है तो आप अलग अलग एंगल पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं तो आप किसी भी एंगल पर ऐसा लगा के अपना फ़ोन को रख सकते हैं तो उसके बाद अगर देखें तो ये ऊपर मैग्नेटिकली अटैच हो

दूसरे वेरिएंट में भी खरीद सकते हैं लाइटर कलर ऑप्शंस के साथ नीचे अगर आप देखेंगे गाइस तो यहां पे आपको पेपर कोल की ब्रांडिंग भी मिल जाती है बहुत ही लाइट तो अगेन काफी अच्छा ये डेस्क मैट है अगर आप एक प्रीमियम लुक देना चाहते हैं अपनी डेस्क को इसके बाद मेरे पास आ गया यहां पे एक डेली की तरह से आने वाला कैलकुलेटर काफी डिफरेंट है ये मॉडल आप यहां पे देखेंगे ना तो उसको हम ओपन कर लेते हैं तो वही इसे कैलकुलेटर कुछ इस टाइप का दिखता है यहाँ पे जो उसका नंबर पैड है ना काफ़ी डिफरेंट है जनरली जो हमारे पास कैलकुलेटर्स आते हैं उससे इसका डिजाइन काफी अलग दिया हुआ है तो अगेन फंक्शनैलिटी वाइज तो सिमिलर ही मिलेगा बट यहाँ पे जो आपको डिजाइन मिला है ना वो काफ़ी की फीचर है यहाँ पे डिजाइन आपको यहाँ पे काफी अलग सा मिल जाता है इसके बाद यहाँ पे आ गया गाइस मेरे पास एक मैग्नेटिक वॉल माउंटेबल क्लिप बोर्ड कैलेंडर गाइस तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप से डिज़ाइन में आता है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमें मिल जाता है गाइज एक काफी अच्छा सा बोर्ड तो उसको हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको एक पेन भी इसमें साथ में लगा मिलता है एक फ्लैप है यहाँ पे जिसमें आप इसको अटैच कर सकते हैं पीछे आप देखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी है तो उसको आप काफी अच्छे से मैग्नेटिकली रेफ्रिजरेटर पे पर जहाँ भी चाहे उसको अटैच

ओपन करके ये जो मेन कंपार्टमेंट है यहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो एंड यही नहीं ऑन द गो अगर आपको स्टोर करना है तो पीछे भी आपको एक स्पेस दिया है जहाँ पे आप अपने पेपर फंसा सकते हैं एंड यहाँ पे एक फ्लैप भी दिया है अगेन जिसमें आपके पेपर स्टक हो जाएंगे वो गिरेंगे नहीं तो काफी एक छोटा सा कॉम्पैक्ट फ्लैप है एंड बात करें ना स्टोरेज की तो कहीं जहां पर हमारे पास एक स्टोरेज डॉर भी आता है अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है तो मैं इसको ओपन करके आपको बताता हूँ तो हमें ये मिल जाता है कुछ टाइप की शेप है अभी यहाँ पे कार्डबोर्ड से बना हुआ है काफी अच्छी क्वालिटी का हार्ड कार्डबोर्ड है यहाँ पे आपको एक होल दिख रहा होगा तो आप इसको पुल कर सकते हैं एंड बेसिकली आपकी जो भी फाइल्स वगैरह होगी ना वो आप इसमें स्टोर कर पाएंगे तो सब बात कर लेते हैं स्टेपलर्स की तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे स्टेपलर्स हैं ये सभी आपको उसको ऊपर मिल जाएंगे गाइज सब अलग अलग प्राइस रेंज में अब आपको बेसिकली जो प्राइस रेंज फिट हो उनमें से आप एक कोई वाला भी पिक कर सकते हैं बट यहाँ पे कुछ स्पेशल स्टेपलर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले आता है गाइज हमारे पास यहाँ पे प्लस जापान की तरफ से आने वाला एफर्टलेस स्टेपलर अब जैसा इसका म एफर्टलेस वैसा ये काम करता है आप देखिए मैं बहुत ही मिनिमल ताकत लगा रहा हूँ एंड ये प्रेस हो जाता है एंड अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा मैकेनिज्म है नॉर्मल स्टेपलर से काफ़ी अलग है गाइज जो इसको एफर्टलेस बनाने में देखिए मदद कर देता है अगेन गाइज बहुत ही ईजिली तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्टेपलर दिन में लगाते हैं ना तो गाइज़ ये आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत बचा सकता है इसके बाद मेरे पास एक और स्टीपलर आता है गाइस जो कि है स्टीपलर है, स्टीपलर इसके बारे में मैंने काफ़ी बार बात करी है तो ये भी आता है गाइस प्लस जापान की तरफ से तो यहाँ पे अगेन इसकी खास बात यही है कि अगर आपके पास छोटे छोटे पेपर्स हैं ना तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं उनमें पिंच करने के लिए एंड आपको स्टीपलर की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पेपर को ही आपस में इंटरफोल्ड कर देता है तो ये किसके लिए अच्छा है तो बेसिकली काफ़ी बार हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे पास तीन चार पेपर हैं एंड उनको हम टेम्परे टाइप से लॉक करना चाहते हैं एंड हम बेसिकली मेटल वगैरह भी यूज़ नहीं करना चाहते तो उस केस में गाइज़ ये आपको बहुत

इनकी खास बात है गाइस इसके बाद है गाइस मेरे पास कुछ कॉम्पैक्ट सीजर्स तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सीजर जैसे लग भी नहीं रहे हैं ये आते हैं फ्रॉम प्लस जापान एंड शिकायत की तरफ से तो देखिए मैं इनको ओपन करके आपको बताता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का पेन जैसा शेप में देखने को मिल जाता है आपका जो सीज़र्स है एंड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है सिंपली आपको उसको यहाँ से ऐसे पकड़ के इसको पुल करना है तो देखिए आपकी सीज़र यहाँ पर निकल के आ जाती है एंड जैसे इसको आप पुश करेंगे ऊपर तो ये सीज़र बन जाती है तो उसको आप काफ़ी अच्छे से अपने बैग वगैरह में कैरी कर सकते हैं एंड अगेन यूज़ हो जाए तो उसको बंद करके वापस से रख दीजिए तो पता भी नहीं चलेगा कि आप सीज़र्स कैरी कर रहे हैं एंड यहाँ पे इसके और भी वर्जन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर स्टिकाइल का छोटा वर्जन भी है एंड यहाँ पे गाइज़ मेरे पास इको प्लस का वर्जन आ जाता है तो ये से थोड़ा कॉम्पैक्ट वाला वर्जन है इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं गाइज़ तो यहाँ आप देखेंगे तो अगेन सिमिलर ही टाइप का प्रोडक्ट है बस ये थोड़ा सा छोटा है तो इफ़ यू नीड एन इवन कॉम्पैक्ट सीजेस यू कैन गो विद दिस वन ऑल्सो तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ नॉर्मल हाई क्वालिटी देन देंगे आप जा सकते हैं डेली एंड प्लस के साथ तो यहाँ पे आपको डेली के स्टैंडर्ड क्लासिक सीजेस का पैक मिल जाएगा ये हमारे पास यहाँ है एंड एंडिका ये है तो ये आपको अलग अलग शेप एंड साइज से मिल जाती है एंड आपको इनका जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी बजट फ्रेंडली पड़ जाता है इसके बाद गाइज़ यहाँ पे हमारे पास आती है प्लस जापान की तरफ से आने वाली सीजेस तो काफ़ी हाई क्वालिटी सीजेस होती है एक एंगल पे इसकी ब्लेड को कट किया जाता है जिसे ओवरऑल आपको जो पेपर कट करने का एक्सपीरियंस है काफी मिले। तो ये हमारे कुछ जो आप ले सकते हैं हमने स्टेशनरी वीक में काफी सारा कॉन्टेंट बनाया डे वन से हमने स्टार्ट किया था हमने बात करी थी pens, हमने हमारे आपको रिकमेंडेशन दिए थे ऑन नोटबुक हमने बात किया अबाउट मैकेनिकल पेंसिल्स काफी कुल मैकेनिकल पेंसिल्स है आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए माई फेवरेट वन बात की, था की। उसके बाद स्टिकी नोट्स एंड आज हमारा वीडियो था सभी प्रोडक्ट लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे हमारा डिस्काउंट कोड है एस वाई फाइव जिसको आप चेकआउट के वक्त यूज कर सकते हैं टू गेट एक्स्ट्रा फाइव परसेंट डिस्काउंटरेडी अवेलेबल बिग डिंट्स तो मैं मिलने वाला हूँ आपको नेक्स्ट में टेंस बाय डोंडियो